नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। बारिश ने थामी दिल्ली की रफ्तार, जल जमाव के साथ सड़कें ब्लॉक, राजधानी में बैलगाड़ी का भी चलना मुहाल। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पानी पानी हो गई है। कल रात से हो रही तेज बारिश से आईटीओ और मिंटो रोड समेत कई मुख्य सड़कें ब्लॉक हो गई है। इन सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है, जिससे कई किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। द्वारका के पास एक बैलगाड़ी भी पानी में धस गई और उस पर सवार लोग नीचे सड़क पर भरे पानी में गिर गए। राष्ट्रीय राजधानी में रात भर बारिश के बाद गुरुवार सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक पालम वेधशाला में 86 और सफदरजंग मौसम केंद्र में 42.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी में हुई बारिश के कारण अलग अलग नज़ारे भी दिखे। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे आईटीओ पर भारी बारिश के कारण ट्रैफिक धीमा हो गया और फिर लंबा जाम लग गया। वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में अंडरपास में पानी भर जाने के कारण एक कार आधी डूब गई। वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में अंडरपास में पानी भर जाने के कारण एक कार आधी डूब गई। इसके कारण लोगों ने मिलकर गाड़ी को धक्का दिया और पानी से बाहर निकाला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।